Hi guys, welcome to my blog Mom Ka Aanch. मैं रिया आ गई हूँ आप सबके साथ with a new video. और आज है छठ पूजा, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे यहाँ भी छठ पूजा चल रही है. एंड नीचे काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है छठ पूजा की, जिसकी इन सबके साथ शेयर करेंगे. कहा जाता है कि छठ पूजा बहुत ही जागृत पूजा होती है, यानी कि आप सबको पता ही होगा, बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत ही मान्यता के साथ इसकी पूजा की जाती है. एंड बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ के की जाती है. तो थोड़ी बहुत मैं आपको कीपिंग दिखाऊंगी. हमारे घर में मौसम भी थोड़ा बहुत मानती है, तो उन्होंने तो ऑनियन गार्लिक और नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाया अभी. इसके अलावा मैं आप सबको बता दूँ कि अभी तो रियांश का स्कूल का छुट्टी है, तो मैंने उसको डे केयर में बंद डाला है 2 आवर्स के लिए. उसके फ्रेंड डैडी के साथ ही वो जा रहा है. इतना रो रहा है डैडी को, तो बिल्कुल नहीं रहता है, तो ऐसे से बिजी हो रहा है. रियांश थोड़ा बहुत रोता है, बट दैट्स ओके. ही इज गेटिंग हैंग ऑफ इट, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहना डजंट मेक एनी सेंस. और यहाँ से पीछे से मेरी जो अभी वाली लाइट्स है, स्माइल करते हुए मेरे साथ चमक रही. और अभी हम जाएंगे नीचे थोड़ा वॉक करने, क्योंकि अभी मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो थोड़ा मैं वॉकिंग पे ध्यान दे रही हूँ, ताकि मेरा स्टेप्स काउंट हो जाए. 10,000 स्टेप्स तो हो नहीं पा रही, बट यहाँ 3,000-4,000 के आसपास कहीं स्टेप्स रह रही है, तो वो अभी मेरा टारगेट है, वो कंप्लीट करेंगे. एंड इसके अलावा मैं नवंबर में घर जाने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरा जिम बंद रहेगा डेफिनेटली. हम लोग की तैयारी चल रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. कोको मौसी के पास रहेगा, एंड कोको को छोड़ के जाना हम सबको अच्छा नहीं लगता है. वो थोड़ा रोएगा, थोड़ा अकेला फील करेगा, बट ठीक है. अभी हम नीचे थोड़ा वॉक पे जाएंगे, मैं आके फिर से बात. आज रात की जो डिनर है वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, बिकॉज क्या हम डिनर खाएंगे वो हम आपको बताइए. हम तो इतना हेल्दी खाते हैं, एंड कभी कभी इस अनहेल्दी चीज़ को हम अपने डाइट पे ऐड कर लेते हैं खुद से ही, बिकॉज हमें कभी कभी चटपटा खाने का मन होता है. तो दिखाएंगे हम क्या खाने दे देंगे. ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एंड मैं किसके साथ आई हूँ वो भी दिखा देती हूँ. यस, यू गेस्ट इट राइट, मैं आई हूँ रियांश एंड शौंको के साथ. थोड़ी बहुत कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, तो हम आ गए जल्दी से, सोचे वॉक पे भी जाना हो जाएगा एंड ग्रॉसरीज शॉपिंग भी हो जाएगा. रियांश का एक्साइटमेंट देख के बहुत मज़ा आ रहा था, वो एक छोटा बेबी होके भी हमारे साथ ही चल रहा था, एंड रैंडमली जो भी उसको पसंद आ रहा था वो उठा रहा था. ऑल्दो उसको मोस्टली पता नहीं है कौन से पाउच के अंदर क्या है, बट वो उठा के सीधा हमारे बास्केट पे डाल रहा है. एंड हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था ये शूट करते वक्त भी, हमें कंस्टेंटली फॉलो कर रहा था. एंड अगर हम बोल रहे थे कि ये वाला पर्टिकुलर सामान उठाओ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा था, ये वाला मम्मा, ये वाला डैडा, केचप चाहिए डैडा. एंड देन हमारे साथ साथ जो भी चाहिए वो उसको ले रहा था, भले उसकी हाइट पहुँचे या ना पहुँचे, हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया उसने. एंड हमारी शॉपिंग हो गई, फिर आया अपना हैंड वाइप ऑफ किया, एंड फिर हम चले गए फ्रूट सेक्शन में, कुछ फ्रूट्स लेना था. एंड डेफिनेटली रियांश का फेवरेट ग्रेप्स, उसे हम कैसे मिस कर सकते थे, तो उस वो खुशी खुशी ग्रेप्स उठाया, चीज़ उठाया, एंड अपने बास्केट की तरफ बढ़ता रहा. रियांश को देखिए क्या बिजी है. रियांश, तुमको क्या चाहिए? ग्रेप्स, बोलो ग्रेप्स. अकर्ड, ये भी किसी. Yeah. और ये हो गई हमारी शॉपिंग कंप्लीट, हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर के तरफ. काउंटर में काफ़ी क्राउड था, और रियांश को फाइनली निकलते वक्त ये बिल देना था सिक्योरिटी अंकल को. और ये हमारे प्रमाइसिस के अंदर छठ पूजा की तैयारी चल रही है. और आज का डिनर का मैं बोल रही थी सरप्राइज है, और वो है पानी पूरी. पानी पूरी के लिए क्या आप देख ही सकते हैं, और रियांश भी पानी पूरी कर रहा था. रियांश पानी पूरी, ये जम 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 कोको पानी पूरी, जम जम. नहीं पेंट करते वरना मेरा सारा पानी पूरी टूट जाएगा, और मैं वेट नहीं कर सकती हूँ. चल रही है, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड.